है तो आप समझो कि मतलब व्हाट आई कैन से 25% ऑफ प्रिपरेशन इज डन सिर्फ इस चैप्टर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको इसका यूज दिखेगा। कहीं आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का नाम सुना हो, या फिर टाइम एंड वर्क को टीएसडी में तुमने देखा ही कि हम इफिशियंसी को अलट पलट के कितना सारा काम कर सकते हैं। तो उस चीज की प्रोफिशिएंसी हो जाने के बाद बहुत सारी चैप्टर्स में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और आसान हो जाता है ये तो। और ऑफ कोर्स डीआई आल्सो विल बी बेस्ड ऑन रेशियोस, तो एक डीआई तो आपका रेशियो पे बेस्ड आएगा ही, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो 25% ऑफ द प्रिपरेशन विल बी डन बाय डूइंग दिस रेशियो। अब बात आती है कि समझना कैसे है। तो एक तो पहले बहुत आसान सी चीज पूछूंगा, वो बताना मुझे कि जैसे, या फिर एक एक तुम्हें एग्जांपल्स बताता हूँ मैं। तुमने वो देखा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बना हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी हाँ ठीक है। तो वो कितना हाइट का है? व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी? कुछ आइडिया है? बोलो। नो सर, इतने देर में गूगल देख के बता दिए होते हैं, आजकल सर वन एटी स्मार्टफोन टू 182। चीटिंग अच्छा हम टेस्ट ले रहे हैं क्या अभी? सो 182 बोला तुमने, तो लेट्स से अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि 60 फीट का कोई स्टैचू आपने बनाया किसी आदमी का, जो कि ऐसे 6 फीट का है। तो जब अगर आप 6 फीट के आदमी को 60 फीट में बदलते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसको प्रोपोर्शनली कन्वर्ट करोगे। प्रोपोर्शनली कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सेम रेशियो में कन्वर्ट करोगे। जैसे कोई अगर ये 10 गुना है, जैसे 6 फीट का स्टैचू जो है इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 60 फीट स्टैचू, तो ये बेसिकली इनटू 10 टाइम्स है। तो कोई भी चीज इस आदमी की होगी, जैसे मान लो कि आंखें, अगर लेट से 1 इंच की आंख है, तो वो उसी प्रोपोर्शन में मूव करके वो 10 इंच का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एवरीथिंग गोज इन प्रोपोर्शन। तो ये तो हो गया कि हमने एक सिचुएशन बताया कि हम रेशियो का या प्रोपोर्शन का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम किसी और चीज पे आते हैं। चलो, तो अब एक दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं कि जैसे एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए की सैलरी जो है 25,000 है और पर्सन बी की सैलरी जो है 20,000 है। ठीक है, सो अगर हम पर्सन ए और पर्सन बी की सैलरी को कंपेयर करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा हम परसेंटेज का भी लर्निंग यहाँ पे लाएंगे, जस्ट टू चेक कि तुम लोग की लर्निंग मतलब परसेंटेज तुम्हें कितना आता है। पहला स्टेटमेंट है, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट बोलूंगा, तुम मुझे आंसर देना। ठीक है,
salary is what percent less than A salary? ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन करना चाहते हैं दोनों की सैलरी का एक दूसरे के, तो ऐसे हम पांच स्टेप में इस कंपैरिजन को बोल सकते हैं। तो अगर हम पहला वाला सेंटेंस पूछते हैं, स्टेटमेंट पूछते हैं कि ए सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। ए कितना पार्ट है? 125%। ये कौन बोला 125%? कौन बोला? सर मैं ध्रुव। ध्रुव, गुड ध्रुव। ठीक है, ये देखो ध्रुव ने तो आंसर ही सारा भेज दिया, वेरी गुड ध्रुव। तो ये 125% है। ठीक है ध्रुव, तुम नहीं बोलोगे अभी, बाकी लोग बताओ, ए सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन बी सैलरी? ऑफ कोर्स 25%। ठीक है, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी, ये बताओ कोई? 80%। ठीक है, वेरी गुड। ये एकदम जिस जो अभी नहीं बता पा रहा है ना, उसका इसका फोटो लेके रखो और ट्राई टू थिंक कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे कोई भी दो फिगर रख के तुमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी? 20%। और रेशियो ऑफ ए टू बी ये क्या होगा? रेशियो ऑफ ए टू बी जो है वो क्या होगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000 हम करेंगे तो 5:4। ठीक है, अब ये चीज हमें बेसिकली, अब हम इस पे केवल बात कर रहे हैं, ये चीज तो तुम समझ ही गए होगे इन अदर चैप्टर्स, परसेंटेज वाले चैप्टर्स में। सो नाउ लेट्स गो फॉर द रेशियो वाला पार्ट। ये कंपैरिजन की एक्सरसाइज ही, फोटो खींच के रख लेना, तुम लोग ले लियो कि नहीं, इसको दो किसी भी नंबर पे रख के तुमको ये कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनाने हैं, है ना? तो हमने बताया तुम्हें ये कि अगर हमें ए और बी को कंपेयर करना है तो हम मिनिमम इंटीजर से जब कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये बोलते हैं 5:4। ये कंपैरिजन है जिसको हम रेशियो से बोलना चाहते हैं। तो हाउ डिड वी कम टू दिस नंबर? तो हमने क्या किया कि 25,000 और 20,000 को हमने डिवाइड किया एक सिंगल नंबर से। यहाँ पे हम ऐसे तो जीरो जीरो काटना शुरू कर देते हैं, बट रेशियो हमने, हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमने एक नंबर से डिवाइड किया, और वो एक नंबर कौन सा है बोलो? 5,000, है ना? किससे डिवाइड किया? 5,000। उस 5,000 को हम नाम देंगे रेशियो मेकर। अच्छा, ये कोई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है नाम देने का, हम लोग इस मार्ग में ही इसको यूज करते हैं, तो इसको कहीं पे कॉन्फिडेंटली मत बोल देना कि ये रेशियो मेकर है। एंड तो फिर तुम बोलो ये सर आप फिर क्यों करते हो ऐसा? बिकॉज विथ दिस नेम हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो रेशियो मेकर जो है, आई ट्राई टू डिफाइन, है ना, कि क्यों हम रेशियो मेकर बोल रहे हैं। सो रेशियो मेकर इज द नंबर विच रिलेट्स रेशियोज टू ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे अब अगर हमें रेशियो मेकर पता है कि जैसे इसका रेशियो मेकर 5,000 है, तो अगर हमें ओरिजिनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 5:5,000 कर देंगे तो हमें 25,000 मिल जाएगा। और सेम रेशियो मेकर इसका भी है, मतलब ये पूरे रेशियो के सेट का, तो इसको हम 4:5,000 कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी।
एंड इट कैन ऑल्सो बेस ऑल्सो सेड वैल्यू ऑफ वन ऑफ रेशियो. तो जो ये जो सिस्टम है और ये सिस्टम है तो ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे वन की जो वैल्यू है वो 5000 है. ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम किसको रेशियो में अगर बोल रहे हैं? बोलो. यस सर. सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं ना. एक बार रेशियो मेकर का डेफिनेशन फिर से बताना. मैंने ये बोला कि चूंकि हमने 5000 से डिवाइड करके 5:4 फाइंड आउट किया ना, तो वो 5000 को ही हम रेशियो मेकर बोल देंगे. और डिफिनेशन ये है कि ये रिलेट करता है दोनों को ओरिजिनल वैल्यू से. मतलब अगर हम रेशियो को 5000 से डिवाइड करेंगे तो हम ओरिजिनल पे जाएंगे, या ओरिजिनल को हम 5000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल पे जाएंगे, और ओरिजिनल को 5000 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो पे जाएंगे. तो जैसे दो सिस्टम है, एक ओरिजिनल वैल्यूज का है और एक रेशियो वैल्यू का है, इन दोनों में रिलेशन 5000 से बिल्ड होता है ना. अभी समझ में आया तुम्हें? यस सर. तो अब मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें वो करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा तुम्हारे कंसेप्ट में. एंड सी दिस बेसिक कंसेप्ट आई विल बी अप्लाइंग एवरीवेयर, और अगर आप अभी ध्यान नहीं देते तो हर जगह आप हमको मैजिक वो समझोगे कि हम मैजिशियन है और तुम बिल्कुल बेवकूफ हो. और अगर आज तुम समझ में आ गया तो यू विल ऑलवेज थिंक कि हाँ तुम्हें भी ये सब चीजें आती हैं एंड यू विल बी द मैजिशियन अहेड. तो अभी हमारा क्या हुआ कि ए और बी का हमने बोला कि कंपैरिजन के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो 5:10 लेते हैं, 5:4 लेंगे, विच इज रेशियो बेस्ड कंपैरिजन. और जनरली रेशियो में वी प्रेफर लीस्ट इंटीजर वैल्यू लेने के प्रेफर करते हैं. तो हम सेम रेशियो को अगर कोई बोल देता है कि इनका रेशियो जो है 10:8 है, तो क्या ये गलत होता? बोलो. नो सर. गलत तो नहीं होता क्योंकि 10:8 और 5:4 सेम ही है. बट इस केस में फर्क क्या हो जाता? बट इस केस में ये रेशियो और ये रेशियो में फर्क क्या हो जाता? इसका रेशियो मेकर क्या हो जाता? बोलो. ये बात समझ में आई तुम लोगों? यस सर. हाँ, तो अभी तक तुम्हें ये समझ में आया कि जो हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं वो हम जरूरी नहीं कि लिस्ट इंटीजर ले, हम बड़े नंबर्स को भी मतलब उसका मल्टीपल को भी हम रेशियो बना सकते हैं. बस उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो वो है क्या बोलते हैं रेशियो मेकर है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो अगर हम इसको और डबल कर दें, जैसे अगर हम इसको 20:16 कर दें, ठीक है, तो ये भी सेम रेशियो है, ये भी चेंज नहीं हुआ. बट चेंज क्या हुआ? रेशियो मेकर चेंज हो जाएगा, इट विल रिड्यूस टू 1250. ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब अगर हम इससे ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं तो हम सीधे 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं तो 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं तो 2500 पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं तो 5000 पे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, बोलो भाई. हाँ ना, कुछ तो बोलो चैट में. यस सर. यस सर. इट्स वेरी सिंपल. मेरा बस एक ही पिच है यहाँ पे कि जो रेशियो है वो आइडियली स्मॉलेस्ट इंटीजर में, यानी ये स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट इन केस वी कैन ऑल्सो यूज अदर वैल्यूज जो उसका मल्टीपल होगा. उस केस में बस फर्क क्या पड़ेगा कि रेशियो मेकर जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे इसका अब कुछ एडवांटेज तुम्हें दिखाने दो. लेट से आई हैव 3 persons ए बी सी, जिनमें से इसकी सैलरी जो है 56,000 है, इसकी सैलरी जो है 72,000 है,
और इसकी सैलरी जो है 40,000 है, तो इस केस में ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा? बोलो सेवन इज टू नाइन इज टू फाइव, है ना? ऐसा आपने क्यों किया? आप मतलब ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर तक ले गए और इस केस में आपका रेशियो मेकर जो है वो कितना है? 8,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ऑफ सडन, जैसे मान लो कि हमें हमें ना ये फिगर मान लो अभी याद नहीं है, बस एक बार को समझो कि मतलब मिट गया या खो गया, तो खो गया तब भी हम पहुंच सकते हैं ओरिजिनल पे बिकॉज रेशियो मेकर आपको पता है। अब जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं पूछूं कि बी और सी की सैलरी में डिफरेंस कितना है, बिटवीन बी एंड सी सैलरी, तो हम यहां से भी बता सकते हैं यहां पे इनका डिफरेंस कितना है, फोर इंटू एट। हाँ तो अब हमें डिफरेंस निकालना है तो 4 × 8,000 कर देंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार ओरिजिनल वैल्यू को छेड़ें, हम रेशियो पे भी सारे कैलकुलेशन करके लास्ट में उसको हम 8,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी, ए बी सी की सैलरी का एवरेज क्या है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करो, आप इस नंबर को भी जोड़ के 3 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमें मिलता है 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 बाय 3 कितना होगा ये 7, तो एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 8,000, क्योंकि रेशियो मेकर तो आपको पता है वो कितना हो जाएगा 56,000 इनकी एवरेज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? ठीक है, तो अब तो मैं अगर ये बताऊं मैं मान लो कि अगर हमें ना एक एक हमें ऐसा डी वो करना है, एक नया बंदा रिड्यूस इंड्यूस करना है इस सिस्टम में जिसकी सैलरी जो है ना, जिसकी सैलरी जो है लेट से ए प्लस बी का हाफ हो, ठीक है? तो ए प्लस बी का हाफ है तो हमको यहाँ पे फिर करने की जरूरत नहीं है, हम इसी को चेक कर लेंगे। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 16, 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8, तो उस जो न्यू बंदा है जो डी है जिसकी सैलरी जो है ए प्लस बी बाई 2 है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम इसको और इसको ना ऐड करके सिर्फ 7 प्लस 9 बाई 2 कर दें 64,000। हाँ तो आप इसको रेशियो मेकर से मल्टीप्लाई करके यू कैन जस्ट रीच टू द डी की वैल्यू, ठीक है? तो इस तरीके से रेशियो मेकर हेल्प्स यू टू कैलकुलेट थिंग्स विदाउट यूजिंग ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है? तो आप इसी में हम इसको आगे पीछे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ भी पूछा जाए जैसे ए और सी का सैलरी डिफरेंस कितना है, तो आप यहीं पर अपना डिफरेंस देख लिया 7 - 5 2 ऐसा करके। अब मान लो कि एक डी है, डी की जो सैलरी है वो है तुम्हारी 4:3 है और एक पर्सन है वो है सी इज टू ये बी इज टू सी, दो पर्सन ऐसे भी हैं जिसमें बी इज टू सी जो है उसकी उनकी सैलरी जो है वो 2:5 है। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि ए इज टू बी इज टू सी ये कितना होगा, तो बेसिकली है क्या कि दो अलग अलग रेशियोज हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझे, और इसको तुम लोग जो लोग कैट का एग्जाम देने वाले हैं या जैड का एग्जाम देने वाले हैं आप मेरे से परेशान हो जाइएगा आगे चल के अगर आप इसको यहाँ नहीं समझे तो। मैं इतना रेशियो मर्ज करके क्वेश्चन करूंगा तुम्हारे सामने और दैट विल बी वेरी फास्ट, और अगर तुम्हें उस समय नहीं समझ में आया तो हम तुम्हें बार बार बोलेंगे कि जाओ पुराने लेक्चर का वीडियो देख के आओ, क्योंकि हर बार हम इसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। सो इसलिए अभी बिल्कुल ध्यान दे दो तुरंत कि दो रेशियोज हैं जिसको हमें मर्ज करना है, है ना। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मर्ज, जैसे अगर अलग से ए इज टू बी रहे और अलग से सी इज टू डी रहे तो बिना किसी रेफरेंस का हम मर्ज नहीं कर सकते। इस केस में हम मर्ज कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज देयर इज वन कॉमन पार्ट विच इज बी। तो अब इसको मर्ज करने के लिए, है ना, इसको मर्ज करने के लिए प्रॉब्लम क्या है मर्ज करने में, बिकॉज बी हैज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हियर। तो एक बात बताओ, मतलब ये एक रेशियो है, इसका कोई रेशियो मेकर होगा पहले वाले रेशियो का, लेट से वो एक्स है, और इसका भी एक रेशियो मेकर होगा लेट से वो वाई है। तो इन एनी केस एक्स इज टू वाई हो सकता है क्या? पूछ रहा हूं मैं, बताओ जल्दी, कैन वी हैव एक्स इज टू वाई, ऐसा हो सकता है? हाँ ना तो बोलो। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज एक्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू जो है वो 3x है, है ना। वाई है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू 2y है। तो 3x और 2y बराबर, मतलब x और y तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते ना, दोनों केस तो बराबर हो नहीं सकते। तो अब हमें रेशियो अगर मर्ज करना है, इफ आई वॉन्ट टू राइट सम वैल्यू हियर, तो उस केस में तो हमें कॉमन रेशियो मेकर चाहिए ना फॉर ऑल दीज थ्री वैल्यू। तो इसके लिए हम इसको मर्ज करते हैं टू मेक रेशियो मेकर सेम। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाली वैल्यू है उसको हम सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बी जो है 3 है और यहाँ 2 है, तो हम इसका डबल ले लेंगे। आपको पता है डबल करने से और कुछ नहीं होता है, क्या हो जाता है, सिर्फ रेशियो मेकर हाफ हो जाता है। तो जो नया केस आएगा 8:6 उसका रेशियो मेकर हाफ हो जाएगा। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, 3 times कर लेंगे, बिकॉज वी नीड टू रीच 6 ईयर, तो 6:15, ठीक है। अब ये जो है इस केस में, नाउ आई कैन गारंटी से दैट दोनों का रेशियो मेकर सेम है। तो अगर यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी k होगा पक्का, और ये अब मर्ज हो गया, विच इज विल बी कॉल्ड 8:6:15। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंसेप्ट है रेशियो मेकर का मर्ज करने का। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल जब आपको कोई कॉमन वैल्यू पता हो, ठीक है, उसके थ्रू हम उसकी वैल्यू सेम करके दोनों रेशियोज के रेशियो मेकर को सेम करते हैं, और सेम करने के बाद हम उसको मर्ज करते हैं, ठीक है। इसका बहुत एप्लीकेशन होगा, कई जगह पे होगा, आप इसको अभी, लेकिन जितना छोटी सी बात बोले वही समझ लो तो वो काफी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दो आदमी हैं, है ना, जिसके सैलरी का रेशियो, एज रेशियोस ऑफ ए एंड बी, मैं एक यूज बता रहा हूं तुम्हें, तो रेशियो मेकर मर्ज कर देगा। एज रेशियोज ऑफ ए एंड बी नाउ इज 4:3, ठीक है, और नॉट 4:3, एक मिनट, इसको 4:3 नहीं रख के कुछ और रखते हैं,
फाइव इज टू थ्री, ठीक है, और आफ्टर फोर ईयर ए एंड बी एज रेशियो विल बी थ्री इज टू टू, ठीक है। अब मुझे ये बताना है तुम लोगों को कि दो रेशियो है, एक ए इज टू बी जो है अभी जो है वो हमने उसको बोला फाइव इज टू थ्री, मैंने इसको ऐसे लिख दिया फाइव इज टू थ्री लिख दिया, है ना, ए और बी का, और चार साल बाद आफ्टर फोर इयर्स इट विल बी थ्री इज टू टू, ठीक है। तो अब हमें इस दो, ये दो अलग अलग रेशियो है, हमें इनको मर्ज करना है। मर्ज करना मतलब क्या है कि अभी इसका जो रेशियो मेकर है वो डिफरेंट होगा और इसका जो रेशियो मेकर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कैसे मर्ज करेंगे बताओ, तो मतलब हमें ऐसे रेशियोज को ऐसी जगह पे लेके जाना है कि दोनों जगह सेम मल्टीप्लायर हो जाए, कुछ सोच सकते हो बताओ। सर हम ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री से एंड उसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिफ्टीन हो जाएगा ना दोनों का। नहीं, इसमें हम सेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि चार साल बाद की बात है। ओके ओके सर, तो सेम तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है। अगर नेक्स्ट मल्टीपल ले ले, हम कॉमन मल्टीपल ले ले नहीं, देखो आपको मैंने बताया ना कि रेशियो मर्ज करने के लिए सेम ए इज टू बी का यहां भी रेशियो, सेम इज टू बी का रेशियो यहां पे भी है, बट ये चार साल बाद की बात है तो आप कुछ भी कॉमन तो ले नहीं सकते, लेकिन एक चीज आप कॉमन ले सकते हो। व्हाट इज दैट? वो है डिफरेंस, क्योंकि दो आदमी है ना उसके एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप और आपका भाई है ना, या आप और आपका कोई भी सिबलिंग, अगर आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस तीन साल है तो लाइफ लॉन्ग वो तीन साल ही रहेगा, चाहे आप अलग अलग टाइम में अलग अलग रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। या आप और आपके फादर में अगर 25 साल का डिफरेंस है तो लाइफ लॉन्ग 25 साल का ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं, रेशियो चाहे कितना भी बदल जाए। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? यस सर। तो इस दोनों रेशियो में जैसे जैसे हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक रेशियो मेकर है जिसको हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का एज मिल जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का एज मिल जाएगा, तो सिमिलरली इनके गैप का भी तो सेम होगा ना, गैप भी तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो मेकर को तो उनका गैप मिल जाएगा हमें। ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था 56,000 और 72,000, तो हमने बोला था ना कि गैप भी उसी रेशियो मेकर के थ्रू बिल्ट होता है। तो अगर ये 7:9 है तो इनके बीच का जो गैप है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनका गैप निकाल लिए 2 और उनको रेशियो मेकर से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां से यहां तक का गैप जो है वो 16,000 रुपए का। तो गैप भी तो उसी रेशियो मेकर को लेकर फॉलो करेगा, है कि नहीं? यस सर। तो हमें इस दोनों रेशियो को अगर मर्ज करना है तो हमें बेसिकली गैप को मर्ज करना है, क्योंकि ये जो 1 है यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो गैप को सेम करने के लिए हम दोनों गैप को कितने का कर सकते हैं? 2 का कर सकते हैं। जैसे यहां अगर 2 है तो हम इसके गैप को भी 2 कर दें। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो गैप को 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कर देना पड़ेगा, हो गया 6:4, ठीक है। तो अब दो जो नया रेशियो बना वो ऐसे बन गया कि एक तो हमारा है 5:3 ए और बी का, और एक रेशियो है 6:4, यहां पे भी गैप 2 है और यहां पे भी गैप 2 है। दैट मींस ये दोनों रेशियोज जो है ये मर्ज्ड हो गए। और सबसे दुख की बात क्या है
ये सब तुम्हें किसी और किताब में और चैनल में मिलेगा नहीं, और तुम्हें अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा अब्सर्ड सा लग रहा होगा कि सर कर क्या रहे हैं, बट यू विल वंस यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो हम लोग जो है छोटे मोटे समस्या पे हम ध्यान नहीं देते। तो देखो बेसिक्स और सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं विच विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग एडवांस, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, और बाकी नहीं समझ में आता है तो सिंपल वाला लेक्चर है ही, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे कि तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ वेयर वेयर वी, कि हमने ये बोला कि दो रेशियोज थे और हमें पता है कि दोनों के एज का अलग अलग टाइम का रेशियो है, तो हमको उनको मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब हमें उनका रेशियो मेकर सेम करना है, तो हमने उनके डिफरेंस को हमने सेम किया, बिकॉज दो ही एक ही चीज जो कॉमन है दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में वो है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों रेशियो का डिफरेंस दो है, यहाँ पे वन है, तो इनको सेम करने के लिए हमने वन को टू बनाना बेटर समझा, तो इंटू टू करेंगे तो 6:4 हो गया। तो नाउ दिस रेशियो इज मर्ज्ड। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कुछ भी वैल्यू, तुमसे पूछता है कि ए का 5 साल बाद क्या होगा, या ए का अभी का सैलरी क्या है, सॉरी एज क्या है, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये देखो कि ए के दोनों में डिफरेंस कितने हैं, वन का डिफरेंस है, और वन की वैल्यू जो है, वन की वैल्यू जो है वो 4 है ना, ये 4 ईयर दिया हुआ है। दैट मीन्स रेशियो मेकर ऑफ दीज टू रेशियोज इज नाउ ए, मतलब 4। तो अगर ए का प्रेजेंट एज पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे, 20। बी का प्रेजेंट एज पूछा जाए तो क्या बताओगे, 12। ए आफ्टर 4 ईयर, तो ऑफकोर्स इसमें 4 ईयर जोड़ भी सकते हैं या सीधा 6 × 4 कर सकते हैं। बी आफ्टर 4 ईयर, इसमें 4 ईयर जोड़ सकते हैं 12 में, या फिर 4 × 4 भी कर सकते हैं 16। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? सर यहाँ पे जो 5:3 और फिर 6:4 का जो न्यू रेशियो आया ना, तो उसके डिफरेंस तो दोनों के दो दो बन रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपने यानी कि सेम हो गया। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपने एक कैसे लिया, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर बना है वो तो ये है ना कि ये तो डिफरेंस के थ्रू हमने रेशियो मर्ज किया था, ठीक है, तो उस बात को अब हम भूल जाते हैं, रेशियो मर्ज हो चुका है। अब ये 5 ए के प्रेजेंट का है और 4 साल बाद कितने का है, 6 का है, तो 4 साल में कितना बड़ा, 5 से 6 एक ही तो बड़ा ना। यस सर। तो इस 1 की तो वैल्यू 4 है, तो हमने तुम्हें रेशियो मेकर के डिफिनेशन में क्या बोला था कि 1 की जो वैल्यू है वो रेशियो मेकर है, तो रेशियो मेकर आ गया हमारा 4, ठीक है, और उसके हिसाब से यू गॉट ए की प्रेजेंट वाली, जब कहीं भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा अपना उस टाइम का एज। ये बात समझ में आई तुम लोगों? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि रेशियो मेकर 4 कैसे बना। और सर 4 तुम्हारे पास कब से था, मतलब ये प्रोसेस करके हम वापस 4 पे क्यों गए, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। अरे प्रोसेस तो हमने इसलिए किया क्योंकि हम इन दोनों रेशियो को मर्ज करना चाहते थे। तो सर वो मर्ज हो गया क्योंकि एक ही में कांस्टेंट फैक्टर था एज डिफरेंस, हमने उसको लेके 5:3 और 6:4 कर दिया मर्ज। हाँ ठीक है, अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हमें रेशियो को कहीं ना कहीं ओरिजिनल वैल्यू से तो रिलेट करना है ना तुम्हें, मतलब अगर रेशियो है और ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कोई ना कोई रिलेशनल पार्ट तो होगा ना, जैसे मैं yes, हाँ तो कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया हुआ है केवल ये बताओ। द ओनली ओरिजिनल वैल्यू दैट वी हैव गॉट इज कि इस जगह में यानी प्रेजेंट और आफ्टर 4 ईयर में 4 साल का डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं पता तुम्हें ओरिजिनल का। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं, जो रेशियो तो मुझे इतने दिया हुआ है 5:3:2 सब वैल्यू दी हुई है जिसको हम यूज करके हमने मर्ज कर लिया, बट हमें मर्ज रेशियो को किसी ना किसी ओरिजिनल वैल्यू से तो कंपेयर करना ही है। तो ओनली ओरिजिनल वैल्यू दैट आई हैव गॉट इन टर्म ऑफ एज इज 4 ईयर, वो क्या है, 4 ईयर क्या है बताओ, ए के प्रेजेंट और 4 साल के बीच का गैप, बाद के बीच का गैप, ठीक है कि नहीं। किसने पूछा था ये बताओ, तो अपना नाम बताओ। सर निरंजना। निरंजना
ये तुम देख रही हो ना, एक चार ही साल तो दिया हुआ है ना, और तो कहीं हमारे पास कोई वैल्यू दिया ही नहीं है ना. Yes, sir. Yes, तो हम तो कंपेयर जो है इस चार साल से ही करेंगे. Yes, sir. तो अभी कंपेयर करने के लिए हम यही तो देख रहे हैं ना कि ए की अभी की वैल्यू 5 है, चार साल बाद इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो चार साल में कितना वैल्यू बढ़ा? एक ही तो बढ़ा ना यहाँ पे, 5 से 6 हुआ. Yes, sir. तो दैट 1 is 4, यानी कि 1 की वैल्यू 4 हो गई, और यही 1 की वैल्यू ही तो रेशियो मेकर होता है. ओके, ठीक है सर. अच्छा, तुम लोग एक गलती और करते हो जो हम हमेशा मना करते हैं, कि तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि जब भी कोई क्लास रखे तो उसका देख लिया करो, उसी से रिलेटेड पुराना लेक्चर. कितने लोगों ने रेशियो का लेक्चर देख के आए हो पहले वाला? कोई है आप तुम लोगों में से कोई समझदार? एनीवन? गलत करते हो ना. कल सर आज तो नहीं देखा था, बहुत पहले देख लेते ना. अगर तुम एक बार देख लेते ना तो ये सब चीजें थोड़ा और क्लैरिटी हो जाती. चलो एनीवे, मतलब ये तो समझ गए तुम लोग? यस सर. तो नाउ लेट मी, मतलब तुमको थोड़ा बहुत और एग्जांपल हम देते हैं कि रेशियो मर्ज करने का या हाँ सर, यहाँ पे जो आपने 2012 लिया ना, तो वो 4 साल पहले की उसकी एज हुई ना, ए एंड बी की, और ये मतलब 4 साल बाद की हुई, 24 and 16. हाँ, मतलब ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हम तब से कर रहे हैं ना, पी लिखा हुआ है, और हाँ, ये आफ्टर 4 ईयर है. ओके, ठीक है. अगर 5 और 6 की जगह 7 होता तो अगर डिफरेंस 2 है तो फिर हम 2 से हाँ 2 की वैल्यू 4 हो जाती, फिर 1 की वैल्यू 2 हो जाता है, तो रेशियो मेकर 2 हो जाता है. चलो मैं तुम्हें और छोटे छोटे, ये तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं कहीं पे? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग लिखते हो, नोट बनाते हो कि नहीं. ठीक है, अब मान लो कि जैसे हम वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि देयर आर 3 पर्सन ए बी सी, तीनों के सैलरी का रेशियो 5:7:2 है ना, और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैंने एक वो दे दिया कि डिफरेंस ऑफ अब फिर से आसान पे चले आते हैं, डिफरेंस ऑफ बी सैलरी एंड ए सैलरी इज लेट्स से 16,000. तो अब मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बी एंड सी का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ बी एंड सी. तो पॉइंट मेरा ये है कि ये तो अलग चीज है, क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन, ये अलग चीज है. आपको एक रेशियो दे रखा है, सेट ऑफ रेशियो, और एक रियल वैल्यू दे रखा है. आपको कहीं ना कहीं से आपको रेशियो मेकर तो फाइंड आउट करना ही होगा ना, टू डील विद द क्वेश्चन. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी हुई है बताओ, तो रियल वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, क्या बोलता है? 16,000, विच इज व्हाट, विच इज डिफरेंस ऑफ बी एंड ए सैलरी, है कि नहीं? मतलब टू के बराबर है वो. हाँ, तो जो डिफरेंस है वो 2 है. तो हमने ये देखा कि 2 की वैल्यू जो है वो 16,000 है, मतलब 2 रेशियो का और ये इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है वो 8,000 हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो मेकर 8,000 हो गया. हम उसे बोलता है बी और सी का एवरेज निकालो, तो हमें जरूरी नहीं कि हम बी की वैल्यू पूरी निकालें, सी की वैल्यू पूरी निकालें. हम बी का और सी का एवरेज निकालेंगे तो 4 + 7 + 2/2 हो जाएगा, विच इज 9/2, विच इज 4.5. ये रेशियो का आ गया हमारा. अब नाउ आई कैन मल्टीप्लाई इट बाई रेशियो मेकर टू रीच ओरिजिनल फिगर, है ना? तो 36,000 जो है वो इसका एवरेज आ गया. आदमी समझ रहे हो, जब भी कोई रेशियो का क्वेश्चन होगा जहां पे वैल्यूज रेशियो में दिए होंगे और तुमको ओरिजिनल किसी चीज को निकालना है, तो somehow उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमको कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू जरूर दी होगी. ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? Yes, sir. They will definitely give you a value to compare. ठीक है? अच्छा, अभी हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या तुम में से? नहीं सर,
तो आपको पता चल गया दो चीजें कंपेयर। अच्छा अब एक थोड़ा और बेसिक पे चीज पे आ जाते हैं, वो मिस कर गया मैं पहले बताना, बट आई होप एवरीबडी नोज दैट। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2:3 ए एंड बी का 2:3 का है, हाँ चलो ये कंपेयर करने वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ए और बी की सैलरी का जो रेशियो है 2:3 है, और टोटल सैलरी जो है ए इज टू बी, यानी टोटल पार्ट ऑफ देयर सैलरी, टोटल सैलरी इज 95,000। तो अगर हमें ए की सैलरी निकालनी है या बी की सैलरी निकालनी है या इनका ए और बी का डिफरेंस निकालना है, कुछ भी दे रखा है तुम्हें, तो आपको बेसिकली कहीं ना कहीं से आपको पहले रेशियो मेकर चाहिए। तो यहाँ पे 95 जो है वो ये रियल वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, रियल लाइफ की वैल्यू, और रेशियो में किसकी वैल्यू 95 है बताना जरा सा। हाँ टोटल का 95 है और टोटल रेशियो से क्या बनता है 5, तो वैल्यू ऑफ 5 इज 95,000, दैट मींस 1 इज 19,000, और इसका मतलब अगर हमसे ए पूछता है तो हम 38 बताएंगे, बी पूछता है तो 57 बताएंगे, और ए और बी का डिफरेंस पूछता है तो क्या बताएंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को सब्सट्रैक्ट करके 1 है और 1 की वैल्यू 19 था। तो आपको ये इससे बचना है कि हम इसको ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकाले, आप रेशियो मेकर को ही यूज करके पूरे क्वेश्चन, सॉरी रेशियो को यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड फाइनल वैल्यू जो तुमसे बोला गया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सिमिलर क्वेश्चन हम राइज करते हैं, देखना हर जगह पे ना कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि हम रेशियो मेकर कैसे बनाएंगे या रेशियो मर्ज कैसे करेंगे। मैंने तुमसे बोला कि एक मिनट, जैसे एक मिनट विच, जैसे 19:3 13 का वो है, वैसे ए और बी है उसके वॉल्यूम का रेशियो 19:13 है, हमने दोनों में है ना अलग अलग वी एडेड प्लस 10 लीटर इन बोथ। ठीक है, तो इनका रेशियो जो हो गया a:b का जो रेशियो हो गया है ना, That become 4:3। ठीक है, अब मुझसे पूछता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था ए का, मतलब पूछने का तो तुम्हें पता ही है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन सेट बस इतना ही है। तो अब तुम्हें बताओ कि चूंकि दोनों ही ए और बी का है, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ मतलब सेम डाला हुआ है वॉल्यूम, मतलब लीड पानी है तो पानी ही डाला हुआ है, बस रेशियो चेंज हो गया है, तो कैन वी मर्ज दिस रेशियो। हम लोग पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रेशियो को मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, कैन वी मर्ज दिस रेशियो। सर 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आवाज ही नहीं आ रही, तुम नेटवर्क में क्यों नहीं बैठते हो कहीं पे, लिखो चैट में लिखो, बताओ इस रेशियो को मर्ज कर सकते हैं हम, इसलिए मर्ज कर सकते हैं कि हम इक्वल वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो अगर हमें मर्ज करना है तो दोनों प्लेसेस पे, मतलब बिफोर एडिंग 10 लीटर और आफ्टर एडिंग 10 लीटर, क्या चीज है जो कॉमन है दोनों जगह पे,
बताओ 10 लीटर नहीं कॉमन ये 10 लीटर तो हमने ऐड किया है ना 10 लीटर दोनों में ऐड किया है यहां और यहां में क्या कॉमन है कॉमन है उनके बीच का डिफरेंस जैसे मान लो अगर ए अगर 7 है और बी अगर 3 है और हम 10 लीटर ऐड कर दिए तो ये 17 हो गया और ये 13 हो गया बट इनके बीच का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना हर जगह क्योंकि दोनों जगह ही तुम 10 लीटर ऐड कर रहे हो तो आप अगर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो जस्ट लाइक 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो सेम जो है मतलब सेम डिफरेंस इस दोनों जगह पे टू मर्ज द रेशियो व्हाट वी फाउंड कि डिफरेंस एट बोथ प्लेसेस इस सेम तो यहां का डिफरेंस कितना है सर 6 हाँ रेशियो में हमने देखा कि 6 है इस रेशियो में देखा हमने कितना है तो 1 है सो व्हाट हैपेंड नाउ कि हमको दोनों जगह सेम करना है तो हम 1 को 6 कर देते हैं तो हम इस रेशियो को कन्वर्ट करके क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 18 अभी क्या हो गया ये रेशियो और ये रेशियो जो इधर है ये दोनों हो गए मर्ज्ड मर्ज्ड मतलब क्या हो गया मर्ज्ड वर्ड कब हम बोल रहे हैं बताओ मर्ज्ड कब बोल रहे हैं व्हेन रेशियो मेकर इज रेशियो मेकर सेम है सर सेम हो ठीक है अब मुझे बताओ कि अब हमको रिलेट करना है कंपेयर करना है रियल वैल्यू से तो रियल वैल्यू तो एक ही दी हुई है वो क्या है 10 लीटर और वो क्या है जो ए में या दोनों में अलग अलग डाला गया है तो ए बढ़ के कितना हो जा रहा है 19 से बढ़ के कितना हो जा रहा है बताओ 24 ए जो है 19 से बढ़ के 24 हो जा रहा है विच इज 5 का इंक्रीज हो रहा है रेशियो में और रियल में ये कितनी वैल्यू है 10 लीटर है ना रेशियो में 5 का इंक्रीज हुआ ड्यू टू व्हाट 10 लीटर ऑफ हम दोनों में ऐड किए थे ना ए में भी 10 लीटर ऐड किए थे बी में भी ऐड किए थे तो ये ए का 19 से 24 हुआ यस 5 ऐड हुआ बिकॉज ऑफ द 10 लीटर यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 10 लीटर है वो 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 लीटर तो आपको क्या मिल गया अभी रेशियो मिल गया अब तुमसे कुछ भी पूछे फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन कुछ भी पूछे अगर मैं बोलूं इनिशियली ए की वॉल्यूम कितनी थी तो क्या बताओगे 38 ना सॉरी हाँ बाद में बी कितना हो गया बाद में बी की वॉल्यूम कितनी हो गई सर 36 वेरी गुड और बाद में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 तो उसमें आप 38 में 10 जोड़ दो या फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दिस इज व्हाट कि ये तो बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ऑल्दो मतलब हम चाहते तो आज ये एक्सरसाइज ना करके हम इससे आसान भी रख सकते थे बट सिंस यू ऑल आर कंसिस्टेंट टू क्लासेस अभी भी हमको डाउट है बहुत सारे लोगों पे जैसे अवनी पे थोड़ा डाउट है तो जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बार बार कह रहे हैं आप अपने हिसाब से क्लास रखवा के दिन में भी ऐसे डाउट क्लियर कर सकते हो और इसको बार बार देख के भी अपने डाउट को कवर कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हो सो रेशियो तुम्हें समझ में आ गया कि रेशियो बेसिकली बड़े नंबर्स को शॉर्टन करके हम छोटे नंबर का सेट्स बनाते हैं उसका फायदा क्या होता है कि हम उसके बीच में ही कैलकुलेशंस को कर सकते हैं ठीक है अब मुझे एक बात बताओ जैसे मैंने बोला कि एक क्लास है जिसमें गर्ल इज टू बॉय का रेशियो जो है वो 6:5 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 92 है तो कितनी लड़कियां होंगी वहां पे फ्रैक्शन में आ रहा है
तुम ये बोलो ना कि आपने गलत वैल्यू दिया है, टोटल कैन नॉट बी 92. अब मैं कैसे बोलूं आप गलत हो या नहीं? अरे हम बहुत गलत होते हैं, तुम्हें क्या पता है, तुमने क्या समझ रखा है हमको? वो ऐसे तो तुम मैं बोलनी वाली थी, मैंने कहा फ्रैक्शन में कैसे पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स. तो आप हमेशा, क्योंकि इसके कैच पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपको ये ध्यान में रखते हैं रखते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो उसका आंसर. ठीक है, तो जैसे कभी मुझे पता चल गया, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है बड़ा सा, जिसमें रेशियो की मूवमेंट है और उसकी मूवमेंट है रियल वैल्यू की. हमने रेशियो रेशियो सॉल्व करके बताया, जैसे मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, रेशियो रेशियो सॉल्व करके हमने पूछा कि सोचा कि गर्ल्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए रेशियो वाली. तो अब जाहिर सी बात है तुम रियल वाले से कंपेयर करके रेशियो मेकर फाइंड आउट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. मैंने 4 ऑप्शन देखे जिसमें से एक ही 3 का मल्टीपल है, तो व्हाई वुड आई डू दैट, हम इसको आंसर मार के चल देंगे आगे, है कि नहीं? तो पॉइंट ये है कि आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि जिस रेशियो को हम, मतलब अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से वो मूव करेगा. ठीक है, तो अगर इनका टोटल 11 बनता है तो टोटल जो है वो 11 का ही मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि एक वो है, एक पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है, या ऐसे समझो कि एक आईना है ना, जो ब्रोक डाउन होके 120 पीसेस में टूट गया. तो 120 टुकड़ों में टूटने के बाद, नहीं इसको 100 ऐसे नहीं क्वेश्चन बनाएंगे, रुको, हमने बोला कि ये एक बॉक्स है जिसमें 120 मैंगोज थे, और टूटने के बाद, बॉक्स टूटता थोड़ा ना है, जैसे दो मैंगोज है तो दो लोगों ने उसको बांट लिया 4:3 के रेशियो में. चलो मैंने बेकार सा ही सवाल बनाया, सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है बट क्वेश्चन ठीक है. 4:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, और 7:3 के रेशियो में. तो इनमें से कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल 4:3. हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये 7 का पार्ट में बटेगा, हाँ, तो कोई भी रेशियो सही रेशियो तब होगा जब इसका टोटल जो है ना, उससे हम 120 तक पहुंच पाए. तो इन सब से हम 120 पे पहुंच पाते हैं, बट वी कैन नॉट रीच 120 विद 7. तो ये हमारा कभी भी वो वैल्यू ऑफ रेशियो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो अब आपको रेशियो मर्ज करना आ गया, आपको रेशियो से रियल वैल्यू को कंपेयर करना आ गया, बाकी सारी चीजें जो है उसी की कॉम्प्लेक्सिटी है. बट एक लास्ट हम ये कर देते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए इज टू बी 2:3 है, बी इज टू सी 1:3 है, और सी इज टू डी ये 9:11 है. तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि सबको मर्ज करना है, ए बी सी डी मर्ज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पहले ए बी सी को मर्ज करोगे और फिर उसके बाद सी को यूज करके डी को मर्ज करोगे. तो यहाँ पे इसको मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा. ठीक है, तो 2:3 इसको रहने देंगे और इसको क्या कर देंगे हम 3:9. क्यों? क्योंकि इसको भी हमें 3 पे पहुंचाना है. तो ये आपका ये मर्ज हो गया, और हमने ये देखा कि ये तो 9 है ही, तो ये 9:11, तो ये दोनों आपस में ऑलरेडी मर्ज हो गया. तो अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बताना है तो क्या बताओगे, बताओ? 3:9:11. बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो. ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ.
ठीक है, आई विल बी हैविंग अ डाउट सेशन टुमारो। आप फर्स्ट सीट जो है रेशियो की, और इनफैक्ट जो मेरा बताया हुआ जो कंसेप्ट है, इफ विल यूज दिस, आप सेकंड सीट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जहां पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगे उसको आप छोड़ देना, उसको हम डाउट में कर लेंगे, बट जहां जहां पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस कुछ दिख रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इतने से ही करेंगे, मतलब द क्लास इज शॉर्ट बट द कंटेंट दैट आई हैव गिवन यू इज मतलब एनफ टू डू ऑल द क्वेश्चन इन फैक्ट, बट सिंस अभी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हुई है, तो एटलीस्ट सीट वन और सीट टू के जितने क्वेश्चंस हो पाए आप कर लेना आज इसको, ठीक है? सर रेशियो